दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा 909 ट्रांसफार्मर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, 909 ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करते हैं और इसका आउटपुट वोल्टेज कितना होता है और इससे 5 वोल्ट या 12 वोल्ट कैसे बनाए जाते हैं। इन्हीं सभी चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 909 ट्रांसफार्मर होता क्या है। दोस्तों ये एक तरह का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसका यूज वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें दोस्तों 5 तार होते हैं, 2 प्राइमरी साइड में जैसा कि आप देख रहे हैं रेड वाले, 3 सेकेंडरी साइड में जिसमें 2 ग्रीन और 1 येलो। इनका कलर डिफरेंट हो सकता है लेकिन प्राइमरी साइड में हमेशा 2 वायर होंगे और सेकेंडरी साइड में हमेशा 3 वायर होंगे। सेकेंडरी साइड में 3 वायर होने की वजह से इसका नाम 909 होता है। इसमें 99 वोल्ट की 2 वाइंडिंग सेकेंडरी कॉइल में होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ये काम कैसे करता है। जब प्राइमरी साइड में प्राइमरी कॉइल को 220 वोल्ट की पावर सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तो उसकी आउटपुट यानी कि सेकेंडरी जो साइड है इसमें स्टेप डाउन होकर वोल्टेज निकलने लगता है। जो हमारा एक ग्रीन वायर और बीच वाला येलो वायर के बीच अगर टेस्ट करते हैं तो वो दोस्तों 9 वोल्ट होता है जैसा कि इस ट्रांसफार्मर पर दिया गया है। बीच वाले से साइड वाला जो हरे कलर का वायर है इसमें अगर आप टेस्ट करते हैं तब भी ये 9 वोल्ट का होता है, और अगर ग्रीन वाले और ग्रीन वाले के बीच में जब हम इसका वोल्टेज टेस्ट करते हैं तब ये हमारा 18 वोल्ट का होता है, क्योंकि 9 + 9 जो है वो 18 वोल्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका नाम भी 909 हो जाता है और इस पर वोल्टेज भी 18 या 909 के ही हिसाब से निकलता है। अब तीसरी बात कर लेते हैं कि इसको चेक कैसे किया जाता है। तो दोस्तों 909 ट्रांसफार्मर हो या कोई सा भी ट्रांसफार्मर हो, चेक करने का सभी का तरीका काफ़ी हद तक समान रहता है। तो इस वीडियो में हम मल्टीमीटर की हेल्प से इसको टेस्ट करेंगे और साथ साथ एक ख़राब 909 को भी हम ले लेते हैं, उसको भी टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या फ़र्क इसमें रहता है। तो इसके लिए मल्टीमीटर की जो प्रोब्स है उसको कॉन्टिन्यूटी वाली रेंज पे सेट करना होता है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी आप 909 को टेस्ट करें तो दोस्तों प्राइमरी जो कॉइल होती है उसमें बहुत ज़्यादा राउंड होने की वजह से कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखा सकता, तो इसको हमें रजिस्टर वाले सेगमेंट पे टेस्ट करना होता है। सेकेंडरी जो कॉइल होती है उसमें दोस्तों कम रजिस्टेंस होने की वजह से ये कॉन्टिन्यूटी पे टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हम रजिस्टर मोड पे ले लेते हैं। रजिस्टर मोड पे दोस्तों ये मेगा ओम का साइन बन के आ रहा है। अब हम मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स को 909 के प्राइमरी सेक्शन वायर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1830 ओम का रीडिंग दिखा रहा है या फिर 1.83 किलो ओम। तो इसका मतलब दोस्तों प्राइमरी सेक्शन इसका ठीक है। अब हम सेकेंडरी कॉइल को भी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 36 ओम की रीडिंग दिखा रहा है, तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा जो पारुल 909 है वो एकदम ओके कंडीशन में। और हम 909 टेस्ट करके देख लेते हैं जो हमारा डैमेज है और ये ख़राब हो चुका है। तो इसके भी दोस्तों प्राइमरी सेक्शन में 2 वायर हैं, तो हम देखते हैं प्राइमरी सेक्शन में कुछ रीडिंग आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 0.83 या 84 ये मेरे हाथ की रीडिंग है। तो इसमें भी देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए OL यानी कि इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। देखिए इसके प्राइमरी सेक्शन पे मैंने रीडिंग टेस्ट करी तो इसमें मेगा ओम में रीडिंग आ रही है, वो मेरे हाथ की ही रीडिंग है क्योंकि मैं हाथ से पकड़ा हुआ हूँ। देखिए फ्रेंड्स इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है और मेगा ओम आपको पता ही होगा बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 1.8 किलो ओम की रीडिंग आना चाहिए थी लेकिन इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। इसका मतलब किसी 9099 ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग अगर ख़राब हो जाए तो दोस्तों वो तो वैसे ही डैमेज हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों 909 की टेस्टिंग की जाती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कभी भी 909 ख़राब होता है तो ज़्यादातर प्राइमरी सेक्शन में ही फॉल्ट होता है। अब दोस्तों हमने ये भी आपको बता दिया कि 909 क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इसको मल्टीमीटर से टेस्ट भी करके दिखा दिया। अब बात करते हैं इसका आउटपुट वोल्टेज कितना होता है और इसे 5 वोल्ट या 12 वोल्ट कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका डायग्राम बना लिया है। 909 के जो प्राइमरी 2 वायर हैं वो रेड वाले ये हैं जिनको हमने 220 वोल्ट पावर सप्लाई देना है, और सेकेंडरी वायर दोस्तों ये हैं 3 वायर सेकेंडरी वायर हैं जिसमें बीच वाला हमारा येलो वायर है एंड साइड वाले दोनों ग्रीन वायर हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बाइंडिंग है वो दोस्तों 9 वोल्ट की है, और बीच से लेके और दूसरी ग्रीन वाले वायर तक की बाइंडिंग है वो भी 9 वोल्ट की है। अगर हम टोटल बाइंडिंग की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक 18 वोल्ट की दोस्तों हो जाएगी। तो एक तरह से 909 को अगर
आप चाहें तो 18 वोल्ट में यूज कर सकते हैं या फिर 9 वोल्ट में यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इन दोनों वायरों से करंट लेंगे आउटपुट में तो हमें 18 वोल्ट मिल जाएगा, और दूसरी कंडीशन में बीच वाला वायर और साइड का कोई एक वायर इसके साथ मिला के अब अगर हम करंट लेते हैं तो हमें 9 वोल्ट प्लस 9 वोल्ट अलग अलग हम सेपरेटली ले सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों 909 का जो आउटपुट वोल्टेज होता है या तो 9 वोल्ट होगा या फिर 18 वोल्ट। अब हम बात करते हैं 909 ट्रांसफार्मर से 5 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर एक आईसी लगाना होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास में एक आईसी है जिसका कोड 7805CB। इस आईसी की हेल्प से आप 5 वोल्ट कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। वहीं अगर इसकी जगह हम 7812 का अगर यूज करेंगे तो हमें 12 वोल्ट आउटपुट में मिल जाएंगे। दोस्तों इस आईसी की एक पूरी सीरीज आती है 7805, 7806, 7807। अगर हम 7812 का यूज करेंगे तो इससे हमें आउटपुट में 12 वोल्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस आईसी की हेल्प से आप 909 से अलग अलग वोल्टेज ले सकते हैं, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट, जो चाहें अपने मन चाहे वोल्ट आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको आईसी यूज करना पड़ेगी और एक रेक्टिफायर सर्किट लगाना पड़ेगा। रेक्टिफायर सर्किट और आईसी का पूरा कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको पूरा सर्किट प्रॉपर बना के बता दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।